हेलो फ्रेंड्स वेलकम स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में आज जो हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये जो ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को उनके लिए रूल फ्रेम करते हैं प्रिंसिपल जो हैं गाइडलाइन जो हैं वो इशू करती हैं और नेशंस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसको भी रिजॉल्व करती हैं अगर ट्रेड से रिलेटेड इसी की बात करेंगे इसकी हिस्ट्री पर बात करेंगे पहले हम हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्स पर बात करेंगे हम इसका स्ट्रक्चर क्या है कौन कौन सी बॉडीज़ हैं मेन फंक्शंस क्या हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं डब्ल्यू टी ओ के रेलिवेंस रोल ऑफ डब्ल्यू ये हम सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में उससे पहले मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर दें शेयर करें, करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तो इससे टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात जो है वो ब्रिटेन बुड्स एग्रीमेंट में भी हुई थी लेकिन जो यू और उसके जो सिग्नेटरीज थी अदर जो एलाइज थे उन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया था जिसकी वजह से जो आ, गेट था वही एक डिफेक्टो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन गया था ट्रेड से रिलेटेड तो इसकी हिस्ट्री की बात करें सबसे पहले तो डब्ल्यू टी ओ का जो प्रीडिसेसर प्रेदिसे, है वो गेट है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड जो वर्ल्ड वार टू के बाद बनाया गया था ठीक है जिसका काम था जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस हैं ये उसको डेडिकेटेड था एक मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूशन था सो गेट वॉज ओनली द मल्टी लेटरल इंस्ट्रूमेंट गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम नाइनटीन फोर्टी एट अंटिल द WTO was established on January first, nineteen ninety five. Nineteen ninety five GATE get, jota, wahi a multilateral organization thi trade se related. Ab W T O ke iski So WTO is the only international organization dealing with global rules of trade between nations. So its main function is to ensure trade. फ्लो एज स्मूथली प्रडिक्टिबली एंड फ्रीली एज पॉसिबल ये इसका डेफिनेशन है जो इसको डिफाइन करता है कि जेट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है इसका काम क्या है कि ट्रेड जो है वो स्मूथली हो सके नेशंस के बीच में अब चलते हैं इसके फैक्ट्स पर डब्ल्यू टी ओ जो है यूरो रोन नेगोशिएशन जो नाइनटीन एटी सिक्स से लेकर नाइन्टी फोर तक हुई थी उसके तहत जो है इसको इस्टाब्लिश किया गया नाइनटीन को फर्स्ट ऑफ जनवरी 1995 को इसको इस्टाब्लिश किया गया इसका हेडकोार्टर जो है वो सेंट्रल विलियम रैपर्ड जिनेवा जिनके स्विट्जरलैंड में है और इसको क्रिएट किया गया था एग्रीमेंट जो हुआ था मार्केश एग्रीमेंट यूरोपीय कॉन्फ्रेंस में जो मार्केश एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत इसको जो है इस्टाब्लिश किया गया था ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया इसमें सिग्नेटरी जो थे वो 123 ट्वेंटी थ्री नेशन थे जिन्होंने फिफ्टीन ऑफ नाइनटीन 1994 को साइन किया था इस एग्रीमेंट को प्रेजेंट में इसकी मेंबरशिप जो है वो 164 है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो इंग्लिश फ्रेंच और स्पेनिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और हेड जो होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो डायरेक्टर जनरल होता है प्रेजेंट में जो है वो डायरेक्टर जनरल रॉबर्टो आजैडो है और स्टाफ जो है इसके सेक्रट्रेट का जो जिनेवा में सेक्ट्रेट है उसका साढ़े छः सौ के करीब यानी कि छः सौ चालीस प्रजेंट में छः सौ चालीस मेम्बर स्टाफ है इस ऑर्गेनाइजेशन का तो ये था इसके बेसिक फैक्ट्स जिसमें हमने कि ये आर्गेनाइजेशन इस्टलिश कब हुई किस एग्रीमेंट के तहत इस्टब्लिश हुई ये सारी हमने चीज़ें डिस्कस की अब इसके ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस आर्गेनाइजेशन के तो सबसे पहले टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द मेंबर कंट्रीज

एम्प्लॉयमेंट मिले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक है डिमांड जो है वो प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज हो प्रोडक्शन को और ट्रेड को जो चीज़ों का ट्रेड है और प्रोडक्शन है उनकी बढ़ाया जाए उसको ठीक है सर्विसेज का ट्रेड जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्स की अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फोर लेवल स्ट्रक्चर है इस ऑर्गेनाइजेशन का डब्ल्यू का हाइस्ट अथॉरिटी सेकेंड लेवल थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल चार लेवल में ये डिवाइडेड हैं इसी को आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं आगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सबसे पहले इसमें टॉप में जो आती है वो है हमारी मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस जो है वो टॉप पे आती है इसके नीचे जो है वो जनरल काउंसिल है जनरल काउंसिल के दो और पार्ट हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है इससे नीचे जो आती है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स काउंसिल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन ट्रेड काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज और जो फोर्थ पिलर है वो है इसका कमेटी ऑन बजट कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कमेटी ऑन बीओपी काउंसिल ऑफ़ फॉर सर्विसेज, काउंसिल फॉर गुड्स ट्रेड रिलेटेड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट काउंसिल ये इसकी कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं डब्ल्यू टी ओ का जिसमें फोर लेवल हैं टॉप पर है सबसे टॉप पर जो आती है वो मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस आती है इसको हम बोरेट करते हैं थोड़ा सबसे पहले हाईएस्ट अथॉरिटी की बात करते हैं तो इसका इट्स फंक्शन इज टू कंडक्ट मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस इट ऑकर्स जनरली टू और थ्री टाइम्स इन अ ईयर सेकेंड लेवल इट्स फंक्शन इज टू ओवर लुक डे टू डे वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री वर्किंग बॉडीज तीन वर्किंग बॉडी मैंने आपको पीछे भी बताया जनरल काउंसिल है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है नेक्स्ट लेवल जो है थर्ड लेवल की बात करते हैं ये दो लेवल थे जिसमें पहले लेवल की हमने मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस और दूसरे में जनरल काउंसिल की बात की थर्ड लेवल जो है इट्स फंक्शन इज टू ओवर लुक ब्रॉड एरिया ऑफ इंडिविजुअल मैटर्स सच एज काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और लास्ट लेवल जो है इसका फोर्थ लेवल टू डील्स विद वेरी सब्जेक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस सब्सिडी डॉपिंग मेजर्स सो ऑन इस तरीके के जो आ, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं उनसे ताल्लुक रखता है फोर्थ लेवल जो है इसके रिलेटेड जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट जो है कमेटीज़ बनाई गई हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स से रिलेटेड अब इसके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं इसके सिद्धांत किए हैं डब्ल्यू के सबसे पहला सिद्धांत है इसका ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मोस्ट फेवर्ड नेशन एम एन एम एफ एन ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली दूसरे लोगों को बराबर जो है समझना नेशनल ट्रीटमेंट ट्रीटिंग फॉरनर्स एंड लोकल इक्वली जो विदेशी हैं और जो अपने लोग हैं इंडिजीनियस पीपल हैं उनको इक्वल ट्रीट करना फ्रियर ट्रेड ग्रेजुअली थ्रू नेगोशिएशन ट्रेड बैरियर जो है उनको कम करना बातचीत के जरिए प्रडिक्टेबलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी प्रोमोटिंग फेयर कंपटीशन एंड एनकोरेजिंग डेवेलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये डब्ल्यू टी ओ के कुछ सिद्धांत हैं जिनके ऊपर डब्ल्यू टी ओ जो है वो काम करता है इसी इन्हीं सिद्धांतों के तहत जो है एग्रीमेंट्स होते हैं मल्टी एग्रीमेंट जो होते हैं मेंबर नेशंस के बीच में डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर नेशन हैं उनके बीच में जो भी मल्टी लेटरल अग्रीमेंट्स होते हैं वो इन्हीं सिद्धांतों से मुतलक होते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं रोल क्या है डब्ल्यू का सो द मेन रोल ऑफ डब्ल्यू टी ओ इज़ टू हेल्प द ट्रेडिंग इंडस्ट्री टू बिकम स्मूथ फेयर फ्री एंड प्रडिक्टेबल सो इट वॉज ऑर्गेनाइज टू बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मल्टी लेटरल ट्रेड And business agreements between its member nations. It supports all occurring negotiations for latest agreement for trade. The WTO also tries to resolve trade disputes between member nations. So multilateral agreements are always be made between several countries in the past because of these such agreements become very difficult to negotiate. But आर सो पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल वंस ऑल द पार्टीज एग्री एंड साइन मल्टीलेटरल लेटरल एग्रीमेंट डब्ल्यू टी ओ एक्ट एज द एडमिनिस्ट्रेटर इफ देर आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आर डंपिंग एंड देर इज अ कंप्लेन फाइल द स्टाफ ऑफ डब्ल्यू टी ओ आर एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट एंड चेक इफ देर आर वायोलेशन बेस्ड ऑन मल्टी एग्रीमेंट चेक करता है अगर कोई वायलेशन हो तो अब रेलिवेंस की बात कर लेते हैं डब्ल्यू टी ओ के रेलिवेंस क्या हैं so that system helps promote peace system allows dispute to be handled constructively a system based on rules rather than power makes life easier for all freer trade cuts the cost of living it gives consumer more choice and a broader range of qualities to choose from trade raises income ट्रेड स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ दैट कैन बी गुड न्यूज फॉर द एम्प्लॉयमेंट द बेसिक प्रिंसिपल्स मेड द सिस्टम इकोनॉमिकली मोर एफिशेंट एंड द कट कॉस्ट तो ये इसके मेन रेलिवेंस थे डब्ल्यू टी ओ के पीस को प्रमोट करता है ये जो भी डिस्प्यूट होता है उसको कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करता है आगे चलते हैं इसके कुछ अग्रीमेंट किस तरह के होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में सो डब्ल्यू टी ओ एग्रीमेंट कवर्स गुड्स सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेन एरियाज़ हैं जिनसे मुतल एग्रीमेंट जो हैं होते हैं डब्ल्यू टी ओ के अंडर सो दे इंक्लूड इंडिविजुअल कंट्रीज कमिटमेंट टू लोअ कस्टम तारिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स एंड टू ओपन एंड कीप ओपन सर्विसज मार्केट दीज ट्रेड्स आर ऑफन कॉल्ड डब्ल्यू टी ओज ट्रेड रूल्स And the WTO is often described as rule-based, a system based on rules. So the agreements for the two largest area, that is the goods and services, in per agreement, you have the question why WTO? Why So the first of all, to arrange the implementation and administration and operating of trade agreement. सबसे बड़ा काम था रीजन है इसके बनने का सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स जो ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट होते थे नेशंस के बीच में ट्रेड रिलेशन इन इश्यूज डील्स विद अंडर द एग्रीमेंट्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटिंग ऑफ रिजल्ट राइजिंग आउट ऑफ द डेलिब्रेशन बिच टेक प्लेस एट मिनिस्टर लेवल कॉन्फ्रेंस टू मैनेज इफेक्टिवली एंड एफिशेंटली द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म जिसको हम ट्रिम के नाम से जानते हैं टू क्रिएट मोर टुगेदर मै रिलेशनशिप विद ऑल नेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज तो ये जो थे कुछ रीजन थे जिनकी वजह से जो है डब्ल्यू टी एग्जिस्टेंस में आया यही रीज़न है कि एक इम्प्लीमेंटेशन का अरेंजमेंट हो किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो डिस्प्यूट किस तरह से रिजॉल्व हो ठीक है अब बात करते हैं इसके फंक्शन की काम क्या है डब्ल्यू का so the first of all, to facilitate the implementation, administration and operation of trade agreements. So it's first function of wto. second, to provide a forum for further negotiation among member countries. settlement of differences and disputes among its member countries to carry out periodic review of the trade policies of its member countries. To assist developing countries in trade policy issues through technical assistance and training programs. The last one is to cooperate with other international organizations. So this is, these are the main functions of the WTO. Now let us discuss the key subjects of WTO. The main subjects first of all agriculture agreement relating to agriculture is made up for several elements which seeks to reform trade in agriculture the second sector is health and safety measures so the agreements on the application of sanitary and phytosanitary measures concerns the application of good safety food safety and animal and plant health regulation This is the main functions first of all agriculture is the basic trade

एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड लैक ऑफ मल्टीलेटरल डिसिप्लिन डीलिंग विद इंटरनेशनल ट्रेड इन काउंटरफेड गुड्स नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रिम्स की ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर जिसको हम शॉर्ट में, में ट्रिम्स कहते हैं और दो रिस्ट्रिक्शंस अनेशन प्लेस ऑन फॉर इन्वेस्टमेंट दैट एडवर्सली इफेक्ट ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज जो एक नेशन जो है दू, दूसरे नेशन की चीज़ों पर जो है वो टैरिफ लगाता है उसको जो है ट्रिम कहते हैं जो रिस्ट्रिक्शन पाबंदियाँ लगाई गई होती हैं नेक्स्ट है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट सो द डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग इज़ अ लीगल टेक्स्ट दैट स्पेल्स आउट द रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज सो दीज आर द मेन की सब्जेक्ट्स अंडर डब्ल्यू टी ओ बिटवीन WTO and GAWT get and WTO so get first get remained a provisional agreement and organization whereas WTO commitments are permanent second get rules mainly apply to trade in goods only applied in trade in goods whereas the WTO covers

डब्ल्यू का अपना सेक्ट्रेट है जैसे हमने गेट की बात की तो एक प्रोविजनल एग्रीमेंट था प्रोविज ऑर्गेनाइजेशन थी लेकिन ये सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड जो है उस एरिया को कवर करती थी इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो इन्वॉल्व होती थी और इसके अपने सेट ऑफ रूल्स थे लेकिन इसका कोई भी इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन नहीं थी जैसे हम डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू जो है एक परमानेंट बॉडी है ठीक है और ये ट्रेड गुड्स के ट्रेड के अलावा सर्विसेज और इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एरियाज़ को भी कवर करती है अब बात करते हैं हम मैंने आपको चार लेवल जो बताया उनको रिव्यू करते हैं उसी फोर लेवल को सबसे टॉप में आता है हम ना कॉन्फ्रेंस उसमें उसके सेकेंड लेवल पर जो आते हैं वो जनरल काउंसिल आती है जनरल काउंसिल से जुड़ी हुई कुछ कमेटीज़ की बात करूँगा मैं यहाँ सबसे पहले मैंने आपको बताई थी रिव्यू कमेटी जो है उसके साथ ही आपको एक सेटलमेंट कमेटी बताई थी सेटलमेंट के लिए एक एप्पलेट बॉडी बनाई गई है जिसको कहते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल ये बनाया गया जो डिस्प्यूट होते हैं मेंबर कंट्रीज़ के बीच में उनको रिजॉल्व करता है इसके अलावा काउंसिल्स हैं इसके अलावा हम बात करें तो काउंसिल है ट्रेड गुड्स काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज और प्लोर लेटर ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है ट्रेड इन सिविल एविएशन इसके लिए अलग से कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग कमेटीज़ बनाई गई हैं ट्रेड एंड डवेलमेंट ट्रेड एंड एनवामेंट अलग अलग कमेटी जो हैं अलग अलग सेक्टर के लिए बनाई गई हैं ताकि जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी एक्सप्लाइटेशन जो है वो ना हो जैसे आपको बताया था टॉप लेवल जो है जो मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस होती है साल में दो या तीन बार होती है ये मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस और जो जनरल काउंसिल है इसका मैंने आपको जैसे बताया कि डब्ल्यू को जो हेड होता है वो सेक्ट्रेट का वो आ, डायरेक्टर जनरल होता है जो प्रेजेंट में रॉबर्टो आजवेडो हैं जो हेड कर रहे हैं तो इसका स्टाफ जो है वो जो है जब कोई डिस्प्यूट इमर्ज होता है किसी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में या फिर लगता है कि किसी मेंबर कंट्री ने वायलेशन की है जो रूल फ्रेम किए गए हैं डब्ल्यू के द्वारा तो इसका स्टाफ जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है अथॉरिटी है कि वो इन्वेस्टिमेट इन्वेस्टिगेट जो है वो कर सकता है कि इसने वायलेशन मेंबर कंट्री ने की है कि नहीं तो ये थे इसके कुछ मेन पहलू अलग अलग कमेटी जो है वो फ्रेम की गई हैं इससे मतलब अब हम एंड में कंक्लूजन की बात करेंगे इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करेंगे डब्ल्यू को मेनली है क्या डब्ल्यू सो इन द कंक्लूडिंग I would like to say that it is the place where the member countries comes and talks together and share their grievance in order to resolve their problem related to international trade. Second one the countries make their decisions through various councils and committees whose membership consists of all WTO members. As I said earlier the system helps promote peace by handling dispute of member countries. So it provides free trade, which cuts the cost of living and provides provide more choice of quality and products. Next, the WTO agreement co cover goods, services, intellectual property. They spell out the principle of liberalization and permitted exemption. They include individual countries' commitments to lower custom tariffs and other trade barriers and to open and keep open services markets so they set procedure for setting this settling disputes. They prescribe special treatment for developing countries. They require government to make their trade policies transparent. So WTO deals with the special needs of developing countries as two-thirds of the WTO members are developing countries. And they play an increasingly important and active role in WTO because of their membership.

ये था डब्ल्यू टी ओ जिसमें हमने डिटेल में डिस्कशन की कि इसकी स्थापना कब हुई किस एग्रीमेंट के तहत हुई हमारे किस एग्रीमेंट के तहत इसकी स्थापना हुई थी ये आपको अब आप बता देता हूँ मैं शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत